मेरे दोस्तों, इंसान को डिस्कशंस का बड़ा शौक है. बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया थिंग्स हैव चेंज्ड कम्प्लीटली. एंड ये सोशल मीडिया से ही चीज़ें चेंज नहीं हुई. हमेशा से मैन वॉज नोन टू बी अ सोशल एनिमल. लोगों को बात करने का शौक है, लोगों को एक दूसरे से डिस्कशंस में एंगेज करने का शौक है. ओल्ड स्कूल वेबसाइट्स, पुराने ज़माने में जो वेबसाइट्स थी उनमें डिस्कशन की फीचर्स नहीं थी. बट थैंक्स टू मॉडर्न कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, या जिनको हम CMS भी कहते हैं, वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एंड डिबेट. लेकिन डिस्कस एंड डिबेट क्यों करना है? बिकॉज देर इज एवरी टाइप ऑफ कॉन्टेंट आउट देर. और डिस्कशंस और डिबेट्स जब होती हैं, उसी से नए आइडियाज सामने आते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेटिंग्स एरिया है, दैट्स द ब्रेन ऑफ वर्डप्रेस. डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सेटिंग्स एरिया. इट्स दैट पर्टिकुलर प्लेस जिधर से आप वर्डप्रेस की डिफरेंट सेटिंग्स और फीचर्स को पावर कर सकते हैं. एंड यू कैन डू मोर विद दिस सेटिंग्स एरिया. सो इसी तरह वर्डप्रेस में एक सेटिंग्स डिस्कशन एरिया भी है, जिसके बारे में मैं आपको शॉर्टली और डिटेल में बताऊंगा. लेकिन बी वेयर, और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये कहना बताना बहुत सख्त ज़रूरत है और ज़रूरी है, कि बी वेयर, आप अगर सेटिंग में कोई चीज़ ख़राब करेंगे तो आपकी साइट डाउन हो सकती है. बिकॉज यू आर आर एस्टीम्ड लर्नर्स, और हम नहीं चाहते कि आपकी साइट ख़राब हो या आपकी साइट में किसी किस्म का कोई मसला हो. दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू बी वेरी केयरफुल when you touch the settings area, and especially settings में जो discuss वाला part है. So discuss वाला part, settings discussion, is the fourth settings area that you will be exploring. और इस पर हमने dedicated video इसलिए बनाई हुई है because इसमें भी कुछ ऐसी dedicated settings हैं जिनका आपको बहुत ज़रूरी है जानना, और जिनको explore करना, test करना आपके blog के लिए, आपकी website के लिए, बल्कि आपकी वर्डप्रेस साइट के लिए विल बी वेरी क्रूशल. सो द डिस्कशन सेटिंग्स डिफाइन हाउ योर रीडर्स इंटरैक्ट विद योर साइट एंड हाउ योर साइट इंटरैक्ट्स विद अदर ब्लॉग्स. तो जैसे जैसे लोग आपकी साइट पे आएंगे, आपसे बातें करेंगे, दैट्स वेयर यू कैन एक्चुअली चेंज मोर ऑफ योर वेबसाइट एंड हाउ इट वर्क्स. और आप कैसे करेंगे? यूजिंग द डिस्कशन सेटिंग्स फीचर. You can configure pingbacks and trackbacks, whether readers can post comments or how your comments are being moderated. अब आप ये सुन के कहेंगे कि यार ये क्या है pingback और trackback, ये क्या अजीब अजीब से लफ्ज जो है ना आप बता रहे हैं हमें. So I'll explain that a little bit in detail. A trackback gives bloggers the ability to communicate between sites. Trackback is almost one person saying to another, this is something you may be interested in. तो बिल्कुल उसी तरह कि अगर आप किसी और अपने दोस्त को, जिसका एक और ब्लॉग है, उसको आप टैग करना चाह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ ट्रैक बैक. अ पिंग बैक इज अ सॉफ्टवेयर दैट गिव्स द एबिलिटी टू योर वेबसाइट टू कम्युनिकेट विद अदर वेबसाइट्स. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिमोट कमेंट. सो ये ट्रैक बैक है और ये पिंग बैक है. अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ पिंग बैक एंड अ ट्रैक बैक. सो ट्रैक बैक्स आर मैनुअल, whereas pingbacks are automatic. So trackback ये होगा कि आप अपने एक दोस्त को खुद टैग करते हैं मैनुअली, और pingback ये है कि ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर पिंग करेगा उसकी साइट को और बताएगा उसे कि इस बंदे ने आपको इधर मेंशन किया. Pingbacks do not send any content, while trackbacks send a little excerpt of the content. So इस एरिया में आप सेटिंग्स एरिया में डिस्कशन में आप पिंगबैक्स और ट्रैकबैक्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं. और ये डिपेंडिंग ऑन वर्डप्रेस, पहले जिस तरह से था, दिस यूज टू बी वेरी इंटीग्रल फीचर, बट एज वर्डप्रेस हैज इवॉल्व, ये फीचर थोड़ी थोड़ी मेन स्ट्रीम से जरा पीछे हो गई है. दिस स्क्रीन ऑल्सो इनेबल्स यू टू कन्फिगर वेदर द पोस्ट ऑथर शुड बी ईमेल्ड व्हेन समवन पोस्ट अ कॉमेंट ऑन योर वेबसाइट. अगर आप चाहते हैं कि यू नो पोस्ट ऑथर को बार बार एक ईमेल जाए, वो भी आप इसी स्क्रीन से कर सकते हैं. सो अगर आपने इस फीचर को डिसेबल करना है, यू विल सिंपली अनचेक द बॉक्स. इफ यू वुड लाइक टू बी नोटिफाइड, देन यू कैन चेक दिस बॉक्स एंड आप सेटिंग्स
जर्नल पे जाके वो ईमेल चेंज कर सकती हैं, जिधर बार बार ईमेल जाएगी एज यू कैन सी हियर इन द सेटिंग्स पार्ट। सो एक पार्ट इसमें ये है जिसमें आप थ्रेड्स को, अपने जो कमेंट्स हैं उनके थ्रेड्स को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं कि आप अपने यूजर्स के लिए नेस्टेड कमेंट्स इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं। व्हाट आर नेस्टेड कमेंट्स? नेस्टेड कमेंट्स अलाउ योर यूजर्स टू हैव कन्वर्सेशंस बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप फेसबुक पे करते हैं। और ये भी आप दिखा सकते हैं वेदर यू वॉन्ट टू ब्रेक कॉमेंट्स, वेदर यू वॉन्ट द न्यूएस्ट कॉमेंट टू अपेयर या द ओल्डेस्ट कॉमेंट टू अपेयर बिफोर। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। ईमेल की ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ अगर आप कमेंट मॉडरेशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं वो भी आप इधर कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप कोई कमेंट को ब्लैकलिस्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन एब्यूसिव लैंग्वेज, वो भी आप इधर कर सकते हैं। सो होता ही है कि जब आप व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, हो सकता है कि किसी की आपसे ना अच्छी दोस्ती बनती हो और वो आपको आके आपको नीचा दिखाने के लिए कोई कमेंट पोस्ट कर दे विच इज़ एब्यूसिव, आप उसके कमेंट को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। और साथ साथ आप अपने अवतार की भी सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो वर्डप्रेस अलाउज यू द ऑप्शन टू इनेबल और डिसेबल अवतार्स। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेस्ट आउट द सेटिंग्स डिस्कशन वाली एरिया, और हम उसमें देखेंगे कि कौन सी फीचर्स हमारे पास इनेबल्ड हैं और हमारे पास अवेलेबल हैं। सो आई विल गो टू द डिस्कशन एरिया जो सेटिंग्स का है। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे टॉप पे है डिफॉल्ट आर्टिकल सेटिंग्स। सो इट सेज अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक्ड फ्रॉम दिस आर्टिकल, अलाउ पीपल टू पोस्ट कॉमेंट्स ऑन न्यू आर्टिकल्स। सो लेट्स से इफ आई डिसेबल दिस एंड सेव इट, तो क्या होगा अगर मैं सारे डिसेबल कर दूं और मैं सेव करूं एंड आई ट्राई टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट। तो आप देखेंगे कि उस पोस्ट में कोई कमेंट्स की फीचर नहीं होगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है बिकॉज आई हैव नाउ डिसेबल्ड द कमेंटिंग फीचर। क्योंकि मैंने कमेंटिंग फीचर डिसेबल कर दी है तो कमेंटिंग फीचर अब नहीं इनेबल होगी नई पोस्ट पे। सो दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अस हाउ वी वांट टू यूज दीज फीचर्स टू डू वट एवर वी वांट टू डू। एक और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट देयर नेम एंड ईमेल। आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ यू शुड ऑलवेज कीप दिस इनेबल्ड। साथ ही साथ यूजर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट, इसको आप हमेशा डिसेबल रखें क्योंकि आप नहीं चाहते कि हर वो यूज़र जो आपकी साइट पे कमेंट पोस्ट करे वो रजिस्टर्ड यूज़र भी हो। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं, यू कैन ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन आर्टिकल्स ओल्डर देन अ सर्टेन पीरियड ऑफ डेज। आप नंबर ऑफ डेज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। शो कमेंट कुकीज ऑप्टेन चेकबॉक्स, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि GDPR के जो नए प्राइवेसी रूल्स हैं उसकी वजह से आप अगर इसको इनेबल करते हैं तो आपके यूज़र्स जो कि कैनेडा, US या यूरोप मार्केट्स में, उनको नज़र आएगा कि यू कलेक्ट कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट। सो इट्स बेटर टू कीप दिस इनेबल्ड बिकॉज लॉ के साथ कंप्लायंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसी तरह कुछ और फीचर्स हैं, ईमेल की ऑप्शन है बिफोर अ कमेंट अपीयर्स तो आप कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड। आप कमेंट की अप्रूवल भी मैनुअली इनेबल कर सकते हैं कि जब तक कमेंट अप्रूव नहीं होगा तब तक वो सामने नज़र नहीं आएगा। सो यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस टू डू ऑल ऑफ दिस। सो दिस इज़ यू नो व्हाट द वर्डप्रेस सेटिंग्स फीचर अलाउज यू टू डू। कमेंट मॉडरेशन है कि अगर इसमें कोई एक सर्टन लव्ज नज़र आ रहे हैं, सो इट सेज व्हेन अ कमेंट अपीयर्स विद एनी ऑफ दीज वर्ड्स इसका IP एड्रेस नोट हो जाएगा और ये मॉडरेशन क्यू में चला जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कमेंट को ब्लैकलिस्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अवतार्स अगर आप डिसेबल करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैं आपके सामने यहाँ पे अवतार्स डिसेबल करने लगा हूँ, एंड आई क्लिक ऑन सेव एंड नाउ व्हेन आई गो टू माय वेबसाइट तो आप देखेंगे कि अवतार्स नहीं नजर आएंगे आपको। सो अवतार्स हैव बीन डिसेबल्ड।
सो ये कुछ एरियाज हैं डिस्कशन के, साथ ही साथ इन एक और प्लगइन जो मैंने आपको बताया था डिस्कस के नाम से, उसको प्लीज़ एक्सप्लोर करें, उसको ट्राई करें, उससे देखें आप कैसे अपनी डिस्कशन फीचर्स को ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और डिस्कशंस करते रहें, बिकॉज डिस्कशंस पुश द ह्यूमन रेस फॉरवर्ड एंड मिल के साथ साथ डिस्कशंस करके आप सीखेंगे भी, लोगों को सिखाएंगे भी, एंड यू विल बिकम अ डिजी स्किल्स सुपरस्टार।